प्रश्न हमारा, तो इसलिए हम लोग सही जगह पर आए हैं। जड़ में पानी डालेंगे तो शाखाएं अपने आप तृप्त हो जाएंगी, पेट में भोजन डालेंगे तो सारे लिम्स आपके नरिश हो जाएंगे। इसलिए भगवत सेवा से, भगवान कृष्ण की सेवा से आप कभी दुखी नहीं होंगे। जिस तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना द्वारका जाकर, इसलिए क्या हुआ, विजय किसकी हुई, पांडवों की हुई। अर्जुन भी गए, दुर्योधन भी गए, और दुर्योधन जो है कहां बैठे थे, दुर्योधन जो है जहां पर भगवान कृष्ण जो है अपने शैया में लेटे हुए थे, उनके सराहने के बाद आगे खड़े हो गए, और अर्जुन जो है उनके चरणों के सामने आगे खड़े थे। पहले दुर्योधन आए थे, बाद में अर्जुन आए थे। भगवान कृष्ण ने आंखें जानबूझकर बंद करके रखी हुई थी, आंखें खोले, बोले अर्जुन अरे तू कब आए। अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं, मेरे भ्राता दुर्योधन पहले आए हैं। तो ने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग क्यों आए हैं, लेकिन आपको पहले बता देना चाहता हूं कि एक तरफ तो जो क्या है मेरी सेना है, नारायणी सेना है, और दूसरी तरफ मैं हूं। आने वाले इस युद्ध में कुरुक्षेत्र में आपको पहले से बता दूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं। हाँ, मुझे आप सारथी के रूप में स्वीकार कर सकते हो, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। चुनाव आपका है। अर्जुन को मैंने सबसे पहले देखा है, इसलिए अर्जुन को मैं कहूंगा कि वो पहले कुछ बोले। अर्जुन ने कहा कि मैं तो केवल आपको ही चुनना चाहता हूं, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने मन ही मन सोचना कि ये अर्जुन कितना बड़ा बेवकूफ है, ये नारायणी सेना छोड़कर, नारायणी सेना में 10 लाख योद्धा थे, वो 10 लाख योद्धाओं को छोड़कर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना। दुर्योधन से पूछा कि आपके लिए ठीक है ये कि आप नारायणी सेना से संतुष्ट है? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ नारायणी सेना से, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, वही करके पर्याप्त है। तो देखिए, इसलिए भगवत गीता के अंत में संजय क्या कह रहे हैं, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वह विजय है, वह नीति है, वह अलौकिक शक्ति है, वह ऐश्वर्य है। इसलिए अपने जीवन में केवल हमें भगवान कृष्ण को जोड़ना है, भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। भगवान गीता में कह रहे हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेया तत् कुरुष्व मम अर्पणम्। जो भी आप तपस्या करें, जो भी आप दान दें, जो भी सेवा करें, जो भी कुछ करें आप, भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करके आप स्वीकार करें, तब आप संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि जड़ तो वही है ना, उनके साथ हमारा जो संबंध है वो शाश्वत संबंध, आत्मा शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, उनके साथ जो हमारी सेवा है वो भी शाश्वत है, वो भी नित्य है। इसी कारण से हमने नित्य सेवा शुरू की है, क्योंकि आत्मा जो है वो नित्य है। तो आत्मा क्योंकि शाश्वत है, उस तो आत्मा की जो सेवा है भगवान के लिए वो भी शाश्वत है। तो इस शाश्वत सेवा को हमें स्वीकार करना है। द्वारकाधीश कहां पर, द्वारका में, और सुदामा जी उनके पास गए। सुदामा जी की पत्नी जो है वो बहुत गरीब परिवार के थे, और सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपके तो मित्र हैं द्वारकाधीश, बचपन में आप एक साथ पढ़े हैं गुरुकुल में, साधी मुनि के आश्रम में, और आप क्यों नहीं उनके पास जाते। सुदामा जी कोई अच्छा नहीं लग रहा था कि वो जाए और अपने ही मित्र यानी कि भगवान से, द्वारकाधीश से कुछ जाकर मांगे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि शायद उनकी पत्नी चाह रही है और बच्चे भी भूखे हैं, और यहां तक कि अब जाएंगे तो क्या भेंट देंगे भगवान को, कुछ है ही नहीं उनके पास। तो पड़ोस से जाकर वो चिवड़ा लेकर आ गए, और वो चिवड़ा लेकर जो है सुदामा जी गए द्वारका, और द्वारका में गए तो वहां पर भगवान ने पहले से आज्ञा दी थी, कोई भी ब्राह्मण आए हमारे इस राज दरबार में तो उसके लिए प्रवेश की अनुमति है, एकदम से अंदर आ सकते, कोई रोकेगा नहीं। सुदामा जी सीधे उनके अंदर गए, भवन राजभवन में गए, भगवान विश्वनाथ सिंहासन में बैठे हुए हैं। जैसे देखा सुदामा जी सामने से आए हैं, सुदामा जी को देखकर राज सिंहासन से उतरे, भागे भागे और सुदामा जी का आलिंगन किया, और सुदामा जी को अपने कहां ले गए, शयन कक्ष में ले गए, और अपनी शैया में बिठाया उन्होंने, और स्वयं भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के चरण धोए, ब्राह्मण के चरण धोए, और कैसे धोए, कृष्ण के आंखों से अश्रु निकल रहे थे, उन आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे थे, और रुक्मिणी जी पीछे से पंखा कर रही है, रुक्मिणी जी पंखा कर रही है, सुदामा जी कुछ देना चाह रहे हैं,
और लेकिन हिचकिचा रहे हैं कि मैं कैसे दे सकता हूँ, ये कैसे दूं भगवान के शुक्र, ये कोई देने लायक चीज तो है नहीं। चिवड़ा, चिवड़ा कोई सूखा चिवड़ा कोई खाता है बताइए, वो देने लायक चीज नहीं है और भगवान को देना चाह रहे हैं। तो वो चिवड़ा जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, देना चाह रहे थे लेकिन हिचकिचा रहे थे। तो भगवान ने कहा क्या लेके आया तुम, कुछ लेकर आयो क्या मेरे लिए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो छीन लिया उन्होंने और छीन कर वो खाने लगे। वो जब खाने लगे तो उस समय रुक्मणी जी जो है वो देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, चिवड़ा खा रहे हैं, ये चिवड़ा खाने की चीज है। और ये खाते जा रहे खाते जा रहे, रुक्मणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और पकड़ के बोले, रुक्मणी जी कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह से खाते रहेंगे तो मुझे जो है इनके पास जाना पड़ेगा। फिर रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी है, वो कह रहे हैं मुझे भी इनके पास जाना पड़ेगा। और यही हुआ, थोड़ी सी सेवा क्या कर दी सुदामा जी ने। वापस जब आए सुदामा जी तो देखा कि उनकी झोपड़ी जो है महल बन गई, उनकी पत्नी जो है पुराने वस्त्र पहने हुई थी और रेशम की साड़ी पहनी हुई थी, उनके शरीर में आभूषण था गहने थे। और ये देखकर चकित हो गए सुदामा जी, सोचे कि मैं अपने घर आया हूं कि नहीं। वहां के तो भगवान जो है हमारे प्रेम के भाव के भूखे हैं, हम कितना दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्या उपृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। पत्ता फूल फल जल मुझे वो श्रद्धा और भक्ति से देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं मैं। तो भगवान में प्रेम की श्रद्धा प्रेम के भूखे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब दुर्योधन गए वहां पर, भगवान कृष्ण उनके घर पर गए, दुर्योधन के पास गए तो 56 मोर की व्यवस्था की थी कि भाई 56 को खिला के कृष्ण को मैं अपने साथ ले लूंगा तो बस पूरा हो जाएगा काम। एक भगवान कृष्ण 56 मोर को स्वीकार नहीं किया। विदुर जी के गए, विदुरानी के जो है केले के छिलके खा लिए, विदुरानी जो है आंखों से आंसू बह रही है, आंखों से आंसू बहने लगी। और वो आंसू भाते भाते जो क्या कर रहे हैं, वो केले केला ना खिला के केले का छिलका खिलाने लगे कृष्ण, और कृष्ण केले के छिलके खाने शुरू कर। और विदुर जी देखकर हैरान हो गए। तो देखिए भगवान कहा जाते हैं जहां प्रेम है जहां श्रद्धा है, तो उनको सेवा की कोई कमी नहीं है। भगवान के धाम में वहां पर उनके घर में जो है लाखों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है। हम जैसे लोग इस संसार के कली काल के जीवों से हम क्यों सेवा लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आज हमें मौका अवसर मिल रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से, इस कॉल के माध्यम से हम सब को ये मौका मिल रहा है कि हम लोग सेवा कर सकें। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी आप सेवा करेंगे आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा और बहुत बड़े से बड़े खतरे से आप छुटकारा पाएंगे। तो ये अवसर हम सबको मिल रहा है और इस अवसर का पूरा हम लोग लाभ उठाए। देखिए संसार में हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, मैं छोटी सी बात बताऊंगा उसके साथ यही विराम दूंगा। देखिए हम लोगों को धन मिलता है, हम लोगों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिलता है, सोसाइटी में स्टेटस मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, वेल्थ मिलता है, अच्छी फैमिली मिलती है, बहुत कुछ मिलता है संसार में, मिलता कि नहीं मिलता है, सब मिलता है। लेकिन ये सब जो है बाहर से आता, अंदर से नहीं आता। ये कहां से आता है, इसका सोर्स क्या है, बाहर से, अंदर से, बाहर से, बाहर से, ये सब बाहर से आ रहा है। और बाहर से जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सब जो है परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है, और परिस्थितियां जो है वो टेम्पररी है और चेंजेबल है। बात सही कि नहीं, कितने लोग आते हैं ये टेम्पररी है चेंजेबल है बताइए। डू यू एग्री विद दिस, कि जो हमने बताया कि बाहर से मिल रहा है जो सुख का जो सोर्स है वो बाहर से है कि नहीं है, यू एग्री, और वो टेम्पररी है और चेंजेबल है, यू एग्री। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो टेम्पररी और चेंजेबल है इसका मतलब गारंटी नहीं है कि हमेशा हम सुखी रहेंगे, ये भी बात सही है कि नहीं। अब हम आपसे पूछे कि सुख की परिभाषा क्या है, सुख की परिभाषा क्या है। अगर मैं कहूं कि आपको मैं देता हूं 1 करोड़ रुपया तो हम सबके 32 दांत दिखेंगे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे, सब मुस्कुराएंगे, आज क्या बात है प्रभु जी हमें 1 करोड़ रुपया देने वाले आज के इस प्रोग्राम के बाद तुरंत, हम तो देने आए थे लेकिन मिल गया हमें तुरंत भेज गया। लेकिन फिर साथ में मैं थोड़ी देर के बाद बोलता हूं आपको मैं दे रहा हूं लेकिन 1 महीने के बाद आपको सूद समेत वापस देना,
तो वही सुख जो है आपका दुख में बदल जाएगा, है ना, राइट कि नहीं? इसी तरह से जीवन भर हमें बहुत कुछ मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, वेल्थ मिलती है, अच्छा फैमिली मिलता है, स्टेटस मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, जीवन के अंत काल में बुरा ना माने सूद समेत हमसे वापस ले लिया जाता है, यू एग्री ऑन नॉट? बिना पूछे, बिना सर्कुलर के, बिना नोटिस के, बिना बताए, ये बात सही कि नहीं? तो इसलिए हमें तलाश करनी है वास्तविक सुख की, वास्तविक आनंद की, जो बाहर से नहीं आ रहा, उसका सोर्स आउटसोर्स नहीं है बल्कि इनसाइड सोर्स है। वो सुख अंदर से आ रहा है, और वो कहां से आ रहा है? जब तक शरीर में आत्मा है, आत्मा जब तक शरीर में है तब तक वो सुख और आनंद जो है आपको मिलता रहेगा इस संसार में भी। आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो शरीर से जो सुख मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा, हमें तो पता ही नहीं होगा कि हम कहां गए। तो आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो सुख है, यानी कि जिस तरह से तोता जो है पिंजरे में बंद है उसको खिलाया पिलाया जाए तो तोता खुश रहेगा, पिंजरे का गोल्डन पेंट कर दो, सिल्वर पेंट कर दो, तो तोता खुश होने वाला नहीं है। बात सही है कि नहीं? एग्री? यस। तो इसी तरह से जो है हमें क्या करना है, आत्मा को क्या खुराक चाहिए, आत्मा को किस चीज की आवश्यकता है, आत्मा को कैसे वास्तविक आनंद मिलेगा जो कि टेम्पररी नहीं होगा, जो कि चेंजेबल नहीं होगा, जो कि परमानेंट होगा, जो कि हमेशा के लिए होगा, जो कि नित्य होगा। और वो नित्य कब होगा? जब हम नित्य सेवा करेंगे। तो ये नित्य सेवा जो है वो आत्मा की खुराक है, भगवत सेवा जो है वो आत्मा की खुराक है, आत्मा का नरिशमेंट है। और जितना ज्यादा हम आत्मा को नरिश करेंगे तो आउटसोर्स नहीं करेंगे अपने सुख को। अभी हमने प्रॉब्लम किया है कि अपने सुख को आउटसोर्स किया हुआ है, और उस आउटसोर्स के सुख के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 साल के कोरोना के कारण हमें इस बात का पूरा अनुभव हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। हम सबको एक्सपीरियंस अच्छा से हो गया है कि हमने जहां जहां आउटसोर्स किया था सुख के लिए, वो सब जो है वही पक्का नहीं था वो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग बाहर के सुख के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंड ना हो, इसलिए इस नित्य सेवा में हमें भाग लेना है, जो कि आत्मा की सेवा है, जो कि आत्मा सनातन है, शाश्वत है, भगवान के साथ उसका संबंध शाश्वत है, और उस सेवा में हम जुड़ेंगे तो हमेशा के लिए आनंद में रहेंगे, और वो आनंद जो है परमानेंट रहेगा, चेंजेबल नहीं होगा, टेम्पररी नहीं होगा, हमेशा के लिए होगा। So let's begin with this, अब हम लोग शुरू करें नित्य सेवा। कैसे शुरू करें? बड़ा सिंपल तरीका है नित्य सेवा को शुरू करने का, भगवत नाम का उच्चारण करेंगे बड़े उत्साह से, जोर शोर से, दिल खोल के एक बार उच्चारण करेंगे। आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो कभी नहीं, आज ही करना है, अभी करना है। हरि नाम जोर से लेंगे, उच्चारण जोर से करेंगे, उत्साहित होकर विद फुल 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 पावर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। छोटा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, प्रभु जी क्षमा करें, प्रभु जी इस्कॉन दिल